स्वागत है समय में आपका। मैं हूं आशुतोष भाटिया। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में भी कई स्थानों पर चुनावी हिंसा हुई है। जाधवपुर में एक बूथ पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता मतदाताओं से जबरन टीएमसी के लिए वोट डालने का दबाव बना रहे थे, जिसकी खबर वहां से बीजेपी के प्रत्याशी अनुपम हाजरा को लगी। वो वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। हाजरा जैसे ही बूथ के अंदर घुसे, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब उनके सहयोगियों ने रोकने की कोशिश की तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने हाजरा के एक सहयोगी के कपड़े फाड़ डाले। उसे इतना पीटा गया कि उसके दांत टूट गए। हमला करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से फरार हो गए। भागने से पहले उन्होंने बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर हमले किए। कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। गाड़ी का परमिटेड कार है, पूरा कमीशन से परमिशन लेके ये गाड़ी हमारे साथ था। हम जब वहाँ पे पहुंचे, सिचुएशन इतना वायलेंट हो गया क्योंकि वहाँ पे रिगिंग चल रहा था और 109 नंबर वार्ड जादवपुर, हर जो 52 बूथ से सभी बूथों में टीएमसी रिगिंग करने वाले थे। हम स्पॉट में पहुंच गए तो वो लोग एम्बेसिंग सिचुएशन में पहुंच गए और उससे बचने के लिए हमें धक्का मार के बाहर निकाला गया। हमारे जो मंडल प्रेसिडेंट है उनको मारा गया और देखिए दो दांत टूटा हुआ है। अभी गाड़ी का हालत देखिए और तीन जो हमारे पोलिंग एजेंट थे, हमारे पोलिंग एजेंट उनको हम रेस्क्यू करके लाए। अभी ये वहाँ पर था तो इसमें सेम हालत लगता। ये तीनों जो है, तीनों को धक्का मार के वहाँ से निकाला गया है। और बात अगर उत्तर प्रदेश के चंदौली की करें तो वहां पर हिंसा तो नहीं, लेकिन जमकर हंगामा जरूर हुआ। मतदान के दौरान एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां आपस में भिड़ गए। इस दौरान दो लोगों के घायल होने की खबर है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी है। और इधर जालंधर लोकसभा सीट के भोगपुर इलाके के पास कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प की खबर है। पोलिंग बूथ के बाहर अकाली उम्मीदवार चरणजीत सिंह अटवाल के लगे मतदाता सहायता केंद्र में तोड़फोड़ हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। यहां चुनाव के आखिरी चरण में मतदान हो रहा है। कांग्रेस से संतोष सिंह चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं। और हम सारा समय के दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही आपके पसंदीदा चैनल के साथ ही सारा समय के सभी सहयोगी क्षेत्रीय चैनलों पर एक साथ देखिए महापोल। हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक एग्जिट पोल शाम 6 बजे से लगातार। नतीजों से पहले नतीजे, किसका होगा 2019? क्या एक बार फिर मोदी सरकार या यूपीए का होगा बेड़ा पार, या फिर तीसरे मोर्चे की होगी सरकार? देखिए पोल ऑफ द पोल्स महापोल शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ समय न्यूज नेटवर्क पर। और लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें और आखिरी चरण की आज वोटिंग हो रही है। कई मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में वोट डालने का बेहद उत्साह देखा जा रहा है। अगर बात करें मतदान की तो गोरखपुर में सीएम योगी, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उधर रविशंकर प्रसाद, वाराणसी में मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम दिग्गजों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि आज 7 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8 लोकसभा सीट है, पश्चिम बंगाल की 9, पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की एकमात्र सीट के लिए भी वोटिंग डाल हो रही है। इस चरण के चुनाव में कुल 918 चुनावी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, वो अपने किस्मत आजमा रहे हैं। उधर 10 करोड़ मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। इस चरण में सबसे अहम उम्मीदवार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि वाराणसी सीट से दूसरी बार
लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में कुछ और दिग्गजों की भी साख दांव पर हैं, जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, मनोज सिन्हा, अनुप्रिया पटेल, शिबू सोरेन, किरण खेर, सनी देओल और रवि किशन शामिल हैं। और चुनाव की इसी समर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक महत्वपूर्ण पैनल बैठा है। दिनेश सिंह हमारे साथ नेता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारा समय में। और साथ में हमारे साथ ए के मिश्रा भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ अशोक शाह हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अशोक जी आपका भी स्वागत है। और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है, पहले एक आरंभिक टिप्पणी आपकी लेना चाहता हूँ, आज का जो अंतिम चरण का मतदान है उसको, उसकी महत्ता को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 100 सुनार की एक लोहार की, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं इसको मानता हूँ कि पूरा बीजेपी, अगर पक्ष और विपक्ष की बात करें तो पूरा चुनाव बीजेपी के लिए मोदी सेंटर्ड रहा है, यानी कि सब कुछ मोदी है, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि उनकी सीट बनारस में है। अब जरा इमेजिन करिए कि मोदी अगर जीतते हैं तो क्या होगा और हारते हैं तो क्या होगा। एक मिनट के लिए, मोदी जी के सामने एक चैलेंज ये भी है कि पिछली जीत को या तो वो बरकरार रखें, मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं वोटों की, या उसको एक्सीड करें। अगर मार्जिनल गैप बहुत कम हो जाता है, जैसा कि चैलेंजेस जो मिल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से हार होगी। इसके साथ साथ मैं आपको और बताऊं, जितने भी ये सीट्स हैं, इतने हैवी वेट्स हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज को मैं ये मानता हूं कि आखिरी चरण का है, ये जो सीटें हैं, ये देखिए जैसे मेरिट बनती है ना, तो लास्ट का एक या दो नंबर से ही डिसाइड होता है कि कौन फर्स्ट पोजिशन पे होगा, कौन सेकेंड पोजिशन पे होगा। तो ये जो सीटें हैं, अभी तक जो हो गया वो हो गया, लेकिन इन सीटों से ये डिसाइड होगा, क्लीन स्वीप होगा कि नहीं होगा, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, बाहर से समर्थन लेने की जरूरत है कि नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अंत भला तो सब भला, जिसके फेवर में ये अच्छा हुआ उसका सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और इसके बाद मिश्रा जी आपसे ही मैं ये पूछना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने आज सुबह जो साध्वी प्रज्ञा के बारे में स्टेटमेंट दिया, आपको ऐसा लगता है कि ये मीडिया सामने आ गई तो एक प्रतिक्रिया उनसे ली गई तो उन्होंने देभर दी, या फिर इसके कुछ गंभीर निहितार्थ भी इसके अंदर? नहीं, जरूर इसके देखिए गंभीर निहितार्थ है, पर्सनैलिटी विद इन पर्सनैलिटी। देखिए, मे बी पॉसिबल कि नीतीश कुमार जी बीजेपी के या मोदी जी के एलाइज हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, लेकिन एक लेवल जाने के बाद, एक लेवल तक नीचे जाने के बाद क्या होता है, आदमी का जो अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अंतरात्मा होती है, वो भी गवाही देती है। देखिए, दोनों पार्टियों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पैरेलल चलती है, कहीं भी ऊपर नीचे होने पे ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से डिफरेंट वे में कोई स्टेटमेंट आ जाता है, जो कि बहुत इंडिविजुअल स्टेटमेंट होता है, इंडिविजुअल लाइकिंग टाइप की वहां पे जो फैक्टर काम करता है। यही केस नीतीश जी के साथ हुआ है। जी चंद्रमोहन जी, आप इस बयान को किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार के? देखिए, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आगे रिजल्ट आने दिए 23 तक, जो कुंडबा है उसके अंदर इतना बड़ा विखंड आएगा, क्योंकि जो 2014 का इलेक्शन था वो मोदी से नाम से लड़ा गया था, आज 2019 का इलेक्शन है वो मोदी वेव का इलेक्शन नहीं है, मोदी के नाम से लड़ा गया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे देश के जनमानस के साथ हैं जो मोदी युग के अंदर देश की जनता को दिए गए थे। तो आज साइलेंट फिगर में कुछ बीजेपी के और कुछ बीजेपी के साथ के अलायंस और देश के वोटर आज वो डिसाइड करके वोट देने जा रहा है कि मुझको मेरे हाथ में मिला क्या। आज आप देखिए कि किसी भी पैरल पे आप दीजिए, कितने 7 फेज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिन वादों के साथ 2014 में आए थे, एक भी 7 फेज के ऊपर उसके ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा। अगर उन्होंने बेरोजगारी की बात करी थी, करप्शन की बात करी थी, काले धन की बात करी थी, कि किसान की इनकम की बात, कोई भी नहीं लड़ा। उन्होंने घूम के देश के अंदर राष्ट्रवाद ले आए, क्योंकि राष्ट्रवाद को उनको लाना इससे जरूरी था, क्योंकि वो पूरी तरह से 2014 से 2019 तक फेल थे। जब आदमी फेल होता है तो वो किसी और चीज के पिटारे को लाके देश की जनता के सामने रखता है, जनता भली भांति समझ चुकी है। फिर जब 2-3 फेज गुजरे तो उनको फिर राहुल के साथ साथ राजीव जी याद आ गए, उनको और चीजें याद आ गई, यानी जिन चीजों का इस देश की सरोवर से कोई वाकता नहीं है, क्योंकि 2014 में देश की जनमानस ने आपको तब सत्ता सौंपी थी जब आपने इन सब मुद्दों को देश की जनता के सामने रखा था। तो देश की जनता ने माना कि एक नया नेतृत्व हमें सरकार देनी चाहिए, वो 2019 तक हमारे हाथ में परिवर्तन लाके देगा। आज उनके हाथ में क्या है, वो थकावट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन बातों को आपने रखा 2019 तक, आपने कुछ भी उन एक भी वादों को पूरा ना करा।
और 19 के अंदर जब आप आए तो आपको राष्ट्रवाद के ऊपर आपको इलेक्शन लाना पड़ गया, क्योंकि जिस चीज के ऊपर सरकार पूरी तरह से फेलियर थी, उसने अपने फेलियर को छुपाने के लिए और हमारे देश के 42 जो जवान शहीद हुए उनकी माताएं बहनें उनकी विधवाओं को जवाब ना देकर देश के अंदर राष्ट्रवाद का एक पैतरा खेल के आ गया। तो 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आने वाला, और उसके साथ साथ जो ये सातवां और आखिरी चरण चल रहा है इसके अंदर 39 सीट्स जो बीजेपी के पास थी वो आप देखिए 9 भी नहीं बचने वाली, क्योंकि इतनी हताशा है कि इससे पहले हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और भगवान की शरण में जाके चले गए और पश्चाताप कर रहे हैं कि हे बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने देश के साथ धोखा किया। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। दिनेश जी, इसको क्या एक कुंडा बिखरने का संकेत सीधे सीधे यहाँ पर कांग्रेस मान रही है? नीतीश कुमार के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के बयान को कांग्रेस ही नहीं मान रही है, इसमें चंद्रमोहन जी जो कह रहे हैं ना उनके ही लोग, इनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं। दूसरी चीज, इन्होंने जहां से बात खत्म की है मैं वहीं से बात शुरू करता हूं। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अरे मोदी जी चौथी बार के मंदिर नहीं जा रहे हैं, पश्चाताप करने जा रहे हैं। एक बार नहीं चंद्रमोहन जी, नहीं नहीं पश्चाताप करने जा रहे हैं, मंदिर मंदिर जाएं बोल लीजिए, लेकिन पश्चाताप करने जा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप। और बोल लीजिए, इसका जवाब दीजिए। मैं ऐसे नहीं करता हूं ना, एक शब्द बोला नहीं मैंने। दिनेश जी बोलिए। अजीब स्थिति है, मैं कह रहा हूं कि चौथी बार केदारनाथ गए हैं, ये तो उनको पश्चाताप करने के लिए जाते हैं जो समय के अनुसार जाते हैं। अभी अगर हम मैं कह दूं कि प्रियंका गांधी क्या करने गई थी बनारस, तो अजीब स्थिति लगेगी। हम ये कहते हैं कि नहीं राहुल गांधी क्या गए थे, और कहते हैं कि नहीं बंद गले के कोट के ऊपर जनेऊ धारण करके गए थे, तो अजीब लगेगा। इसलिए कौन समय के अनुसार मंदिर जाता है और समय के अनुसार मस्जिद जाता है, देश की जनता जानती है। नंबर 1, अब आते हैं हम आपके सवाल पर, मेन मुद्दे पर। और अनिल जी ने आप बात की शुरुआत की थी जी, कि देखिए ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सारी चीजें सामने परिलक्षित हो रही। आपने एक सवाल भी किया और मुझसे भी आपने वो सवाल किया कि नीतीश कुमार जी ने जो आज कहा जी, बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने आज जो कहा वही बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी, वही बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कही थी। प्रधानमंत्री तो उससे इतर आशुतोष जी क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि मैं उन्हें दिल से कभी माफ नहीं करूंगा, तो लेकिन इसकी परिणति क्या? परिणति क्या है? हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, एक पार्टी की तो बात नहीं है, अभी राष्ट्रवाद की बात कर रहे। यही भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में अंतर है। हम व्यक्तिवाद या परिवारवाद की बात नहीं, राष्ट्रवाद की बात इसलिए मतलब हम, हमने अनुशासन समिति को पार्टी के अध्यक्ष ने दिया है, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है, जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके आधार पर हमारी पार्टी कार्रवाई करेगी। क्या आप कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है? यानी आप दिनेश जी ये आश्वस्त करते हैं यहाँ पर आज की स्टूडियो से कि कोई ना कोई कार्रवाई, जो हमने कहा अनुशासन समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसके आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। और सुनिए, नहीं 2-3 सवाल है जरा, तुरंत और कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री जी इस पर रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? सवाल खड़े किए अगर वो विरोध करते हैं साध्वी प्रज्ञा जी का, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी विरोध करते हैं तो प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि तुरंत और कड़े फैसले हम लेते हैं, तो इमीडिएट वही फैसला ले लिया होता। आप तो जी मुझे जवाब देना, मैं 10 दिन का टाइम की चीजों में नहीं जाता हूं, जो प्रश्न आए उन पर जवाब देता हूं, फिर उसका जवाब भी अगर सवाल है तो करिए, बोलिए संक्षेप में उत्तर ले लीजिए जी। फिर आपने कहा कि पूरा चुनाव जो है मोदी केंद्रित चुनाव है, हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, निश्चित तौर पर क्योंकि हमारे पास एक लीडर है, हमारे पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और 5 साल हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सेवा करने का अवसर हमको मिला है, इसलिए हम प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बाकी लोग अशोक जी, नेता तो अभी नेता अशोक जी से, दिनेश जी अभी दूल्हे का पता नहीं, बाराती खोजे जा रहे हैं हल्दी लेकर। अशोक जी से हम पूछना चाहेंगे, अशोक जी आपको लगता है कि जनता जब चुनती है तो जो जैसा कि दिनेश जी बता रहे हैं कि हमारे पास एक लीडर है इसलिए स्वाभाविक रूप से हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, नीतियों को प्रोजेक्ट करना ज़्यादा अहम है या इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट करना ज़्यादा अहम? देखिए जनता, आतोष ठाकुर जी आपको मैं बता दूं, दिनेश जी ने भी कहा था, उनको अभी जवाब में दे देता हूं, जनता ने स्पष्ट दिखाई दे दिया, और मोदी जी जिस समय 45-44 टिकट काटे थे इनको एहसास हो गया था 5 साल में हमने कितने अच्छे काम किए थे, कि क्या मजबूरियां थी कि इन लोगों को साइड करने की, ऐसे ऐसे दिग्गज नेताओं को सीट काटा, उसको रास्ते से हटाया, काट बिल्कुल साइड कर दिया, कहीं न कहीं इनकी पूरी परेशानियां दिखाई दी। और हम भी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आप भी हिंदू हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो कोई मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो पूरे ढिंढोरा पिटकर और मीडिया के साथ, ये तो एक दिखावा है,
क्योंकि ये आज चुनाव है, इसके लिए पूरे मीडिया कैंपेन करने जाते हैं। आप देख लीजिए, जब मंदिर में जीना पर चढ़ते हैं और वहां पर टाटा बाय बाय, ये क्या मंदिर में पूजा करने, आपने 5 साल में ये लोकतंत्र वाला मंदिर को भूल गया, आपने 5 साल में किसानों का भूल गया, 5 साल में आपने नौजवानों को भूल गया, इस मंदिर को भूलकर आप उस मंदिर से आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। दिनेश जी, मुझे लगता है प्रश्न खड़ा होगा, इसलिए जरा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अशोक जी, दिनेश जी, आप दोनों से कैमरा पहले आप दोनों से अनुरोध करूंगा, हमारे साथ हमारी सहयोगी अंशु नैथानी भी जुड़ चुकी हैं, वो बिहार की सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अंशु, इस वक्त ग्राउंड से आपके पास क्या सिग्निफिकेंट अपडेट है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की अंशु, क्या आपको हमारी आवाज सभी अगर जो कहा जाए मतदान पटना में ही है, और उनके चेहरे देखकर हमको सभी पर ये लगा कि कहीं ना कहीं सभी लोग इस बात को लेकर थोड़े घबराए हैं और अपनी जीत को लेकर कोई 100% आशान्वित नहीं नजर आया, क्योंकि इस बार बिहार में जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा है, काफ़ी कांटे का है, और भीतर ही भीतर हर प्रत्याशी को कहीं ना कहीं ये डर है कि इस मुकाबले में होगा क्या। हालांकि अपनी जीत के दावे तो हर कोई कर रहा है, हम सुबह गए थे रविशंकर प्रसाद ने अपने परिवार के साथ वोट डाला, रामकृपाल यादव से भी हमने मुलाकात की, मीसा भारती, राबड़ी देवी, इन सभी लोगों का वोट जो है वो पटना में ही है, तो ये सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से दो खेमे बने हुए हैं और दोनों खेमों में कहा जाए कि बहुत तगड़ी लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है, अगर इन मैं 8 सीटों की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मुकाबला है, तो इसमें बाजी अगर कहा जाए कोई भी मार सकता है, और 4-4 केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि वोटर इस बार थोड़ा साइलेंट है, कोई खुल के कुछ नहीं कह रहा है, ना ही कोई लहर है और ना ही ऐसी कोई बात है कि वोटर खुल के कह रहा हो, कहीं विकास की चर्चा हो रही है तो कहीं राष्ट्रवाद की बातें हो रही है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पिछली बार जो वायदे किए गए थे वो कितने वायदे पूरे हुए, और साथ ही साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे की भी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन खुलकर मतदाता सामने आकर कोई बात नहीं कर रहा, अपने मन में रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि इन 8 सीटों पर हमें अप्रत्याशित नतीजे भी देखने को मिले। जो 4 यहाँ से केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं उनके लिए भी मुकाबला काफ़ी टफ फाइट है। अगर मैं बात करूँ यहीं पटना साहिब की, तो रविशंकर प्रसाद के सामने शत्रुघ्न सिन्हा है जो उन्होंने कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। हालाँकि बीजेपी अपनी कैडर वोटिंग और इसके लिए जानी जाती है और संगठन काम भी करता है, लेकिन पटना और आसपास इलाकों में आज जिस तरह का मौसम है, बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी है, तो शहरी मतदाताओं को वोटर्स को लेकर आना बूथ तक ये काफी मुश्किल है, और बीजेपी के लिए ये काफी मुश्किल होगा। ग्रामीण इलाकों में वोटर्स निकलते हैं, और महागठबंधन के वोटर्स की बात करें तो वो ज्यादा बाहर निकलते हैं, लेकिन जो शहरी इलाकों में बीजेपी का वोटर रहता है तो वो ऐसे में वोट देने में कभी कभी पीछे भी रह जाता है, तो उनको सामने लाना ये एक चुनौती होगी। बात हम करें कि रामकृपाल यादव और मीसा भारती की, तो यहाँ वहाँ पर भी टफ फाइट देखी जा रही है। हालांकि रामकृपाल यादव अपने काम का हवाला देते हैं, लेकिन मीसा भारती ने भी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगाया है, उनके भाई, उनकी माँ, सभी वहाँ उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, और ये हवाला दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के परिवार की वही एक है जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो लालू प्रसाद यादव जेल में है, ये इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, मीसा को जिताने की अपील की जा रही है। और दिलचस्प ये है कि दोनों ही यादव कैंडिडेट हैं, तो यहाँ जो यादव वोट बैंक है उसको अपनी साइड करने की भरपूर कोशिश चल रही है, और ऐसे में जो यहाँ पे MY समीकरण की बात की जाए वो महत्वपूर्ण हो जाता है, मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इस लिहाज से जो चुनाव है वो हर जगह ही नेक टू नेक फाइट के देख रहे हैं। RK सिंह की बात करें जो कि आरा से हैं, उनके सामने जो हैं वो लेफ्ट के कैंडिडेट हैं राजू यादव, उनका भी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प बताया जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने उनको सपोर्ट किया है जो लेफ्ट के कैंडिडेट हैं। हालाँकि RK सिंह ने यहाँ काफ़ी काम किया है जमीनी स्तर पर, और कहा जाता है कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते और यहाँ स्थानीय लोगों के बीच में भी रहते हैं और काम भी किया है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है
और काफी चीजें हुई हैं उसको लेकर महागठबंधन जिस तरह संगठित होकर आया, तो मुकाबला उनके लिए भी काफी अगर कहा जाए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वाकई अंशु, अंशु बनी रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बिहार में इस वक्त इस चरण में काफी दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं और बिहार में अभी नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर भी अंशु हमसे आपके पास लौटेंगे और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान इस वक्त जारी है। दोपहर 1 बजे तक 8 राज्यों में औसतन 25.58% मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े, 25.58% मतदान हो चुका है। बिहार में 18.9% मतदान हुआ है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो 27.98% मतदान हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा मतदान हो रहा है, 29.72% मतदान की खबर मध्य प्रदेश में है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर मतदान इसी तरीके से अच्छा रहा तो देश में सबसे ज्यादा मतदान वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का शुमार हो सकता है। बात अगर पंजाब की करें, 23.45% मतदान पंजाब में हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य, 23.16% मतदान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल में दोनों चीजें इस बार इस चरण में भी खास बिल्कुल उसी तरीके से जारी हैं। पहली चीज हिंसा और दूसरी मतदान प्रतिशत, अधिकतम 32.53% पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ है। बात अगर झारखंड की करें तो 31.39% मतदान झारखंड में हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी लोकसभा का चुनाव है, 22.3% मतदान हुआ है। हम आपको बता दें कि आज जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 59 कुल ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जिन पर फैसला होना है। अंशु नेथानी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंशु इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे एक बार फिर से हमारे पैनल से। हमारे साथ जो खास पैनल है, दिनेश जी आपसे बात कर रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि एक किस्म की मौजूदा जो नेतृत्व है बीजेपी का और जो सरकार है, काफ़ी कॉम्प्रेंसिवली सरकार 2014 में गठन ज़रूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से जो पार्टनर्स हैं उनको अपने साथ बनाए रखने की एक जो कमी है वो देखी गई। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा आपके साथ पार्टनर, सबसे करीबी पार्टनर कही जा सकती है शिवसेना, वो भी छिटकी छिटकी नज़र आई। बहुत सारे विरोधाभासी बयान उन्होंने भी इन 5 सालों के दौरान दिए। आशुतोष जी, परिवार में होता है, हमारे आपके परिवार में भी होता है, किसी भी मसले पर कभी कभी हो सकता है कि मत एक ना हो, तो छोटी छोटी बातों से, लेकिन अंतोगत तो आप देखिए वो परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। हम महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मात्र एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो गठबंधन धर्म बनाती है, तो गठबंधन धर्म को निभाती भी है। अगर आप 2014 के चुनाव को आप देखिए तो उसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एनडीए कश्मीर में भी निभाया था सर गठबंधन धर्म आपने। हमने एनडीए के, पता नहीं बीमारी है, लिख लीजिए, हम कहीं जा रहे हैं, लिख लीजिए, वही चीज का जवाब दे दूं पहले, इसलिए कृपया कर जरूर पूछिए ना, मैं बैठा हूं, कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी है जो गठबंधन बनाती है तो गठबंधन धर्म को निभाती भी है। अब आते हैं हम सवाल, मिश्रा जी ने अच्छा सवाल उठाया कि हमने जम्मू कश्मीर में, यह जान लीजिए आप कि जितनी जम्मू में जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी थी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इसका मतलब भारतीय जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, लेकिन बेली में हमको सीटें नहीं मिली, हमको मजबूरी में, हम जानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी एक नदी के दो किनारे हैं, दो विपरीत विचारधाराएं हैं, इसके बाद भी उसको उसको प्रधानमंत्री जी ने भी मिला कहा था, सिक्योरिटी प्रधानमंत्री ने कहा था दिनेश जी, लेकिन उसके बाद भी हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। और जब नहीं आ रही है दिनेश जी, दिनेश जी आपके बाद सारा भी जानने के बाद आपने दिनेश जी छेड़ा, इसलिए बताया आप आने नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, नहीं मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आपने सरकार जरूर बनाई, अच्छा किया, सिक्योरिटी फोर्सेस जरूर मैं मानता हूं कि वहां पर हिंटरलैंड में आतंकवाद का खात्मा करने में कामयाब रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल जो लक्ष्य आप अचीव करना चाहते थे जम्मू कश्मीर में वो नाकाम रहा है इन 5 सालों में, ये मानेंगे आप? हमारा एक ही लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर का विकास, हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, हम वहां राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, हम जम्मू कश्मीर का लाभ कैसे हो, कश्मीरियत का लाभ कैसे हो, उसके लिए काम कर रहे थे। और दूसरी चीज, एक सवाल बीच में आया था कि देखिए कहीं भी भारतीय जनता पार्टी बाकी नेताओं में हड़बड़ाहट है, इसलिए कि 6 प्रश्न पत्र हो गए हैं, आज अंतिम प्रश्न पत्र हो रहा है, वो छात्र कभी कहीं नहीं विचलित होता है जिसके 6 पेपर बहुत अच्छे गए हों
और सातवें पेपर में हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि डिक्टेंशन मार्क मिल जाए, बाकी लोग तो कछोन्नत उसको क्या गेस मार्क के लिए कि कहीं गेस से पास हो जाए उसके लिए कोशिश करते हैं। अब सवाल होगा दिनेश जी, अब बारी आने नहीं दूसरे की, आप ही बोलते रहे तो देश की जनता को पता नहीं चलेगा कि आपकी नीति क्या है। अब आप रखिए मना, आप सुन लीजिए, आपकी बातों का जवाब तो दे रहे हैं, क्या फायदा होगा अगर आप ही के साथ बैठे रहोगे तो। अब आपकी जीतों का जवाब दे रहे हैं, आपकी नीतियां बता दे, आपकी नीतियां क्या है चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी दिनेश जी आप दोनों को शांत करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जी जी बताइए, दिनेश जी दिनेश जी दिनेश जी दिनेश जी दिनेश जी एक मिनट दिनेश जी एक मिनट चुप होंगे आपके कहने थोड़ी दिनेश जी दिनेश जी चंद्रमोहन जी दिनेश जी चंद्रमोहन जी आप से मैं गुजारिश करूंगा कि शांत हो। अरे आज तो मैं किसी की भी बोलता हूं तो बताइए, सुनिए मिश्रा जी आप बोलते रहे किसी के बीच में, अरे अजीब बात है दिनेश जी, आप चैनल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिनेश जी एक मिनट, जब मुझको बोलने के लिए कहा जाएगा तो चुप रहूंगा क्या? नहीं आप एक मिनट एक मिनट आपसे जो पॉइंटेड मैंने सवाल पूछा था संभवतः उसका जवाब आपको ज्यादा देना चाहिए था। मिश्रा जी आपको लगता है कि ये जो इनेबिलिटी है ये आगे जाकर एक किस्म की महंगी पड़ सकती है बीजेपी को? देखिए मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी राज्य के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और दोनों एक दूसरे की ओपोनेंट हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है तो एक बट नेचुरल आपका अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपके कॉम्बिनेशन के साथ बनने की संभावना बननी चाहिए। लेकिन इस बार अगर अलग अलग राज्यों में हम देखें तो बीजेपी के साथ ऐसा नहीं हो देखने को मिल रहा है। 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। पूरे इतने डिबेट के करियर में आपने एक बड़ा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन उठाया था जो कि ये पॉलिटिकल शोर शराबे में प्रवक्ताओं के गायब हो गया। वो क्वेश्चन आपका ये था कि किसी एक व्यक्ति को प्रमोट करना चाहिए कि उसके सिद्धांतों को, प्रिंसिपल को? इसका जवाब मैं जल्दी से दे देता हूं। देखिए है क्या, भारत का इतिहास रहा है 5000 साल से, यहां राम को प्रमोट नहीं किया गया, उनके आदर्शों को, सिद्धांतों को किया गया। यहां कृष्ण को प्रमोट नहीं किया गया, उनकी गीता को यानी उनके सिद्धांतों को। यहां चाणक्य को प्रमोट नहीं किया गया, उनकी नीति को किया गया। कहने का मतलब पॉलिटिशियंस को यह सीखना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी जी, व्यक्ति को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आप प्रमोट करिए तो अपनी आइडियोलॉजी, देश की आइडियोलॉजी को। अब आते हैं आपके सवाल पे, जो आपने सवाल बोला, देखिए है क्या, ये इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना, भले ही ये बोले कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, हम सबसे छोटी पार्टी है, बिना गठबंधन के किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। एक गाड़ी के लिए 4 पहिए चाहिए, यहां किसी ने 35 पहिए लगाए हैं, किसी ने पूरा ट्रेलर जो होता है ना 40-40 पहिए की यहां पे गाड़ी चल रही है, और एक भी पहिया निकाल देंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पावर कैसे होता है? दोनों ही पार्टियां बखूबी कोशिश कर रही हैं कि अगर उन्होंने उनको बनाया तो उनको हम बना ले, मतलब एक तरीके से सीट ले ले या उसके सारे बेनिफिट को हम अपने आप ले लें। मुद्दा यह है जो चल रहा था, देखिए जम्मू एंड कश्मीर की बात मैं आपको बताऊं, बीजेपी भी जानती थी कि ये आइडियोलॉजिकली धुर विरोधी हैं हमारे। शिवसेना से इनका गठबंधन समझ में आता है कि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, एक ट्रैक पे तो चल सकती हैं। फिर उन्होंने क्यों बनाया, इसका ग्रेटर गोल क्या था, आप किसी ने इस चीज पर चर्चा नहीं की है और विपक्ष भी इस चीज पर सवाल नहीं उठाता है। जब आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर की टेरिटरी आपके लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा महत्व है पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, तो कैसे घुसा जाए? जो आज तक ये नहीं घुस पाए थे, पहले उस टेरिटरी में घुस करके एक जासूसी किया जाए, एक पता किया जाए अंदर पॉलिटिकल क्या माहौल है, इस चीज के लिए उन्होंने वहां पे किया था। और यही जब उनके काम हुए, उन्होंने कुछ स्टेबल किया, कुछ अनस्टेबल किया, फिर अपने टाइम पे एग्जिट हो गए। ऐसा वहां पे कुछ मुझे नहीं लगता है। देखिए जो वहां पुल वगैरह बन रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बन रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता नहीं क्या रोल है क्या नहीं है। सारे बड़े बड़े पुल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुदान से या उसके प्रोजेक्ट से बन रहे हैं, तो ये चीजें समझना चाहिए। देखिए कोई भी अगर ये बोले, जरूरत पड़ने पे साहब कर्नाटक का एग्जाम्पल ले लीजिए, जी जी वहां पे मैं एक इन सारे सवालों के बीच चर्चा वेस्ट बंगाल पे भी करना चाहूंगा। बिल्कुल, आप देखिए कि कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड रहा है पश्चिम बंगाल में कि सारे ही चरणों में लगभग वहां पर हिंसा देखने को मिली है। आखिर ऐसा क्यों है? पॉलिटिकल पार्टी इसके बहुत बैक में, पॉलिटिकल पार्टी सारे प्रतिद्वंदी पॉलिटिकल पार्टी सारे राज्यों में है, लेकिन कभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या पंजाब में उस तरह की हिंसा नहीं हुई। देखिए केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती है। थोड़ा सा पास्ट में जाइए, 40-50 साल पहले कांग्रेस के बाद जब वहां पे वामपंथियों का आया, तो मैं खुल के बोलता हूँ वामपंथी वगैरह का सर्च वगैरह कर लीजिए कि उनका ये स्टेटमेंट है कि भाई जो सत्ता होती है, पावर होती है, इट कम्स विद द बैरल ऑफ गन, बंदूक की नाल से नहीं। वो तो अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आप यकीन रखते हैं तब ये स्टेटमेंट बता रहा हूं, वहां या अल्ट्रा लेफ्ट वाली नहीं। देखिए वहां पे देखिए आइडियोलॉजी तो कहीं ना कहीं से दिखेगी ना, हाँ कहीं, भले ही वो प्रकट ना हो परोक्ष रूप में हो।
वहां पे सत्ता के लिए हर वो चीज करती गई। अब हुआ क्या, ममता बनर्जी ने वो सारी चीजें झेली वहां पे, हाँ बहुत उनको दुख उठाना पड़ा। हुआ क्या, ममता बनर्जी जब जीती तो वोट बैंक तो वही था ना, वो शिफ्ट होके वहां से यहां आ गए। तो कहने का मतलब ट्रेंड इसलिए कायम है क्योंकि ट्रेंड को बनाने वाले, उसमें विश्वास करने वाले लोग अब भी है, भले ही उनकी पार्टी बदल गई हो। और वहां एक सबसे बड़ी चीज है, देखिए पिछले 3 सालों से बीजेपी यूपी में सेंटर नहीं है। बार बार ये लोग क्यों बंगाल में जा रहे हैं, उनको स्कोप दिख रहा है। हर पार्टी, एक पार्टी चाहती है मैं स्थापित हो जाऊं, कैसे भी करके स्थापित हो जाऊं, हाईलाइट हो जाऊं, वहां माहौल बन जाए। दूसरी पार्टी उसी का रिवर्ट कर रही है, इसीलिए केवल बंगाल में बड़े कांटे की टक्कर है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब लोहे को लोहा काटता है, ये भी कम नहीं वो भी कम नहीं है, पिस इसमें जनता रही है, वहां का माहौल पिस रहा है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, दिनेश जी ने पहले जवाब की बातों का जवाब आइडियोलॉजी की बात दिनेश जी ने करी थी नीति की, तो वो उनको पूछ लूं कि जब मैं इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा चंद्रमोहन जी कि दिनेश जी से इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दिनेश जी लंबा चले जाएंगे, पहले भी बहुत लंबा चले गए। संक्षेप में दिनेश जी, हम जो जो पॉइंट है उसी पे जवाब देंगे, इधर उधर नहीं जाते हैं। देखिए दो चीजें, आपने शुरुआत किया था राम और कृष्ण से कि उनके व्यक्तित्व की बात की जाती है, उनके कृतित्व की बात की जाती है, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की बात करते करने से आपको राम और कृष्ण को भी याद करना पड़ेगा। आज जब यही बात चंद्रमोहन जी को, जो अभी चंद्रमोहन जी ने अपने बात में कहा भी था कि ये बात करते करते ये चले गए राजीव गांधी पर, कहा था ना, लेकिन इतिहास साक्षी है जब कभी भी चर्चा होगी तो राम की चर्चा अगर होगी तो उनके उस व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा होगी, कृष्ण की चर्चा होगी तो उनके उस व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा होगी, चाहे वो वर्तमान में हो या ना हो। तो इसलिए जब भी हम राजनीतिक चर्चा करेंगे तो जो लोग पहले भी रहे, आज वो रहे या ना रहे, उन्होंने जो अच्छा किया था उसकी भी चर्चा होगी, जो मालदा में हिंदू और बौद्ध रहेंगे, मुसलमान कल चले जाएंगे उस पर भी चर्चा कर लो। चंद्रमोहन जी कश्मीर के अंदर पीडीपी से गठबंधन, चंद्रमोहन जी हम सबसे पहले उस पर भी गठबंधन कर लेते हैं, ये भी गठबंधन कर लो आप। चंद्रमोहन जी को आप गलत क्यों कह रहे हो, जब दिनेश जी सही क्यों कह रहे थे, इस पर भी चर्चा कर लो, यानी आप जो कहो वो सही, जो दूसरा कहे वो गलत। अशोक जी से मैं ये पूछना चाहूंगा। अशोक जी, ये सियासत में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे राजीव गांधी का मुद्दा प्रधानमंत्री जी लेकर सामने आए थे, मेरा ये कहना है कि अगर जो मौजूदा मुद्दे हैं वो नाकाफी थे कि इसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना दूर जाना पड़ा, या फिर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से कंटिन्यूसली जिस तरह से चौकीदार चोर है उनके लिए राहुल गांधी कह रहे थे, उससे कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट था जिसकी वजह से इतनी पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी, मैं गिनती कराऊं तो घंटों लग जाए, चाहे किसान नौजवानों का हो या बेरोजगार का हो, चाहे 15 लाख का हो, ये सब मुद्दे भटकाने के लिए इन्होंने 10 साल पीछे गए। और अभी हमारे भाई साहब ने कहा था बीजेपी के, मैं कह रहा हूं कि वो चश्मा हटाकर देखिए, आपने जो व्यक्ति परीक्षा की बात कही थी, आपका परीक्षा उसी समय फेल हो गया था, कहां गया 15 लाख रुपया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने रामलला को भूल गए आप, मैं पूछना चाहता हूं धारा 370 कहां गया, आपने परीक्षा में फेल उसी दिन हो गए जब 2014 में सरकार में जब आई थी, प्रचंड बहुमत में आए थे, जितने भी वादे थे आपका, एक भी वादे पर आपने काम किया हो, धारा 370 किसानों का आए दुन्ने, ये सब एक भी वादे आपने 5% 5 वादे आपने जो गांव गोद लिया था, कौन सा गांव का गोद लिया था, विकास हुआ है वो बता दीजिए। ये आपका धारा 370 से लेके दाऊद से लेके भ्रष्टाचार से लेके आपको जरूरत पड़ गई राष्ट्रवाद बनाम बालाकोट का नाम चुनाव लड़ने का, आपने क्या क्या आपकी मजबूरियां आ गई, कौन सी मजबूरियां आ गई कि इस चीज चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हम आपसे जवाब दिनेश जी जरूर जवाब देंगे, जवाब जरूर देंगे, लेकिन इस बीच हम गोरखपुर का रुख करते हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रहा है, अरशद जमाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। अरशद, गोरखपुर में इस वक्त क्या हलचल? देखिए अभी 1 बजे तक 36% तकरीबन जो है मतदान हुआ है, ऐसे में देखा जाए खास करके योगी आदित्यनाथ की ये सीट काफी अहम है, इस पर रवि किशन खड़े हुए हैं। एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, मुनिया, यानी मुसलमान, निषाद और यादव, ये तीन जो है
कहें कि ये गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखते हैं। ऐसे में गठबंधन का प्रत्याशी अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए योगी आदित्यनाथ की ये सीट काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ये सीट गवाई थी, ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है और इसको लेकर रवि किशन को जिस तरह से मैदान है उसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन एक हफ्ते से गोरखपुर में डेरा डाले हुए थे और पांचों विधानसभा में जगह जगह वो उन्होंने विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाएं की और रैलियां की। ऐसे में देखा जाए तो ये काफी प्रतिष्ठा का सवाल अब बना हुआ है कि योगी आदित्यनाथ को इस सीट को बनाना बहुत जरूरी है, बचाना बहुत जरूरी है। चलिए बहुत शुक्रिया अर्षद इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम अपने मुद्दों पर लौटते हैं। अशोक जी, आपसे मैंने ये सवाल पूछा था, आप अपना जवाब पूरा करें। देखिए, मेरा सवाल आपसे राजीव गांधी के मसले पर था। देखिए, राजीव गांधी के मसले पर मैं आपको बता दूं कि इनको पीछे जाने की जरूरत ही क्या पड़ी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, इनकी क्या मजबूरियां थी कि 10 साल चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव 5 साल का हिसाब मांग रहा था। इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के 50 दिन दे देना, किसी चौराहे पर मुझे हिसाब मांग लेना। क्या इन्होंने 50 दिन के बाद हिसाब दिया था? आज किसानों से या नौजवानों से हिसाब दे देता, आज वो समय नहीं मिला। लेकिन ये विदेशों में घूमने का इनको समय मिला, लेकिन नौजवानों को और किसानों गरीबों को हिसाब देने के काम। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी जीएसटी से कमर टूटे व्यापारियों को क्या उनको भला कर पाए? मैं ये जितने भी किसान अब बेरोजगार नौजवान और पकौड़े तलने वाले जो बात कहे थे, ये दिन अच्छे दिन कहां गए? ये इस दिन के लिए ये पूरे प्रचंड बहुमत में नहीं आए थे और बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने इनको परिवर्तन का लहर है। मैं बता दूं, आज आखिरी चरण है, 23 तारीख को देख लीजिएगा, ये लोग नजर नहीं आएंगे। अशोक जी, ये परिवर्तन इनको लाया था, यही जनता परिवर्तन दिए। परिवर्तन किसके फेवर में है, किस नेतृत्व के, किसके फेवर में है परिवर्तन? एक महागठबंधन है, परिवर्तन एक अच्छा सरकार चुनने जा रहा है। तमाम महागठबंधन का, अशोक जी, इस महागठबंधन का नेता कौन है? आप देख लीजिएगा, ज्यादा दिन नहीं है, आप 23 तारीख को देख लीजिएगा, एक नेतृत्व सामने आ जाएगा आपको। जो अभी दो चार दिन और वेट कर लीजिए, आप 23 तारीख को सामने आ जाएगा नेतृत्व। आपको यकीन है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है? देखिए, 5 साल से जनता ने इनसे तबाह होकर मजबूरी में साइलेंट है, इसीलिए तो मजबूरी परिवर्तन चाहता है, क्योंकि इनसे त्रस्त होकर आपके हिसाब से महागठबंधन का नेता कौन होगा? जी, आपके हिसाब से महागठबंधन का नेता कौन होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश से ही कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, या कोई भी बने, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा बताएंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश से परिवर्तन बदल गए। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब थे, इस क्वेश्चन को मैनेज नहीं कर पाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, नेता दो तरीके के होते हैं और भारत की परंपरा रही है। मैं बोलूं, हम अगर अपनी सनातन परंपरा को देखें 5,000-10,000 साल पहले से, यहाँ कौन नेता रहा है? यहाँ का सिद्धांत है कि यहाँ का सिद्धांत ही इस देश का नेता रहा है। नेता तो बदलते रहते हैं हर 4 साल 5 साल 10 साल पे, तो इनको ऐसे बोलना चाहिए कि महागठबंधन का जो सिद्धांत है वही नेता है। चेहरा वोरा छोड़ो, चेहरा तो वहां आता है जहां सिद्धांत नहीं होता है। रही बात महागठबंधन के जो नेता वाली आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं स्ट्रेटजिकली और पॉलिटिकल उसके जो है उसमें दिखा दूं वे में अगर हम बात करें, नेता की वाकई में कमी नहीं है। आप ये देखिए, एक बार ये कन्फर्म हो जाए ना कि हम जीत गए हैं, सबसे बड़ी दुविधा यही है कि ये कन्फर्म हो जाए कि हमारी सीटें ज्यादा आ गई हैं, तो वो तो एक कमरे में बैठ करके 10 मिनट में हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप सिंधिया साहब और गहलोत साहब में जब लड़ाई हुई थी राजस्थान वगैरह में, ये सवाल उठा था, मैंने तब भी बोला था कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये एक दिन में सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा जो पहला बैरियर है, अगर महागठबंधन उतनी सीटें जीत लेती है कि क्लियर कट सरकार बना ले, तो नेता बनाना या ढूंढना कहीं से भी वो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। जी, इस बीच हम एक अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, जो कि हालांकि अभी अंतिम चरण चल रहा है और अभी परिणामों से हम बहुत ज्यादा दूर हैं। अभी तो देखा जाए तो एग्जिट पोल के लिए भी हमको काफी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेल मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार जारी है, और मेल मुलाकातों में आज का जो दौर हम आपको बताना चाहेंगे कि चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के बड़े नेता और हमेशा इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें उनकी भूमिका जरूर होगी। उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है, इसके अलावा राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है। सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी 4:30 बजे प्रस्तावित है। इन मेल मुलाकातों को हम अभी किस तरह से देखें मिश्रा जी, आपको यानी क्या ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं अभी से? नहीं बिल्कुल, इसका क्लियर कट मैटर ये है कि देखिए रिजल्ट तो आएगा और रिजल्ट में एक चीज रहेगी, या तो क्लियर कट रिजल्ट आएगा या डावाडोल वाला बीच वाला रिजल्ट आएगा। तो हो सकता है उन लोगों का ये है, देखिए अगर ये सब लोग मिल रहे हैं इसका मतलब ये है कि डावाडोल वाले रिजल्ट की ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी ये गठबंधन के लिए जो है महागठबंधन के नेता वगैरह मिल रहे हैं। और उसमें भी अगर ये मिल रहे हैं जो अगुवाई कर रहा है, सबसे पहले शुरुआत अगर चंद्रबाबू नायडू ने की है ना, तो उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा है कि हमारा अपना जो इंटरेस्ट है महागठबंधन में अगर होता है, देखिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक मतलब पार्टी का और खुद अपना, महागठबंधन में किसका क्या रोल होगा इस चीज के लिए भी एक स्ट्रेटजिक फाइट जरूर होगी कि कौन पीएम बनेगा, कौन डिप्टी पीएम बनेगा, ये मंत्रालय किसको जाएगा, वो मंत्रालय किसको जाएगा, ये हर पार्टी में इंटरनल होता है। तो ये वहां पे दो चीजों को ये किया जा रहा है, दो क्या तीन चीजों को, हो सकता है वो महागठबंधन का ये श्रेय लेना चाहते हो कि हमारे कारण सब लोग पोस्ट अलायंस जो है बाद में बना, उनका अपना रोल क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन या पद वगैरह लेना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। तीसरी चीज उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन आए उसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। लेकिन इसमें एक चीज और है, 23 तारीख के बाद आप देखिएगा ना, मे बी पॉसिबल कि ये अगर ये ऐसा कर रहे हैं और रिजल्ट कहीं आश्चर्यजनक तरीके से आ गया, महा मतलब कुछ डावाडोल वाला भी आया। देखिए बीजेपी की यूएसपी क्या है, दे आर वेरी मच मैकेनाइज्ड, दे आर वेरी मच स्ट्रेटजिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, उनकी इसी क्षमता से लड़ पाना। देखिए विपक्ष के पास मौका बहुत अच्छा था, लेकिन बीजेपी की ये जो, लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे गठबंधन के पार्टनर, बीजेपी अगर सीटें कम रहती है तो जुटा पाएगी या नहीं जुटा पाएगी? और जिस तरह का बयान नीतीश कुमार का आज सुबह हमको देखने को मिला, ऐसा लगता है कि इससे पहले भी अलग होते रहे हैं नीतीश कुमार बीजेपी से। दिनेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले आए थे। उसके बाद जब हमने तमाम लोगों से बातचीत की कि प्रधानमंत्री के शरीर की भाषा को देखकर आप क्या कह सकते हैं, तो उनके शरीर की भाषा में वो जोश नजर नहीं आया, ये हमको एक फीडबैक वहां से मिला था। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री को समझ पाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ पाना, ये सबके सामान्य बात नहीं, चीज जान लीजिए। जरा जवाब से पूछेगा तो आप बोलिएगा, मुझसे जा रहा है, मैं सवाल तो नहीं सेटिस्फाई, आप जवाब दीजिए। ज्यादा विद्वान बन के आप ही चले, मैंने एक शब्द बोला अनिल जी आपके। अरे दिनेश जी मैं तीन लोग सुनता हूँ, जो बात है उसका जवाब दे दूं, मैं आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। आपने कहा पूरी बात नहीं हुई, लैंग्वेज को कौन समझ पाया, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। आशुतोष जी आपने कहा, मैंने बीट कॉरेस्पोंडेंट्स की बात की है जी, कंटिन्यू। आशुतोष जी क्या है कि भारत, आपने कहा कि भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रधानमंत्री जी चले आए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें उपस्थित थे, जितने सवाल चाहे वो प्रधानमंत्री से किए गए हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से किए हुए, सारे प्रश्नों सवालों का जवाब दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें मजबूत मौजूद थे। और हमारे यहां दूसरे के यहां मुझे नहीं पता है, इसलिए हम हमारे यहां राजनीतिक व्यवस्था में, संगठनात्मक व्यवस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सर्वोपर होता है, नंबर एक। और दूसरी चीज, अभी आप भी दिखाने वाले हैं 5 बजे के बाद एग्जिट पोल, आशुतोष जी आपका भी चैनल दिखाएगा और बढ़िया से दिखाएगा, इसलिए हमारे भी कार्यकर्ता इसको आप मान लीजिए, हो सकता है अगर आप मानते हो तो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा मजबूत संगठन है और हमारा बूथ तक संगठन है, इवन कि हमारा पटना तक संगठन है। तो हमको भी एक फीडबैक है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, हमको भी एक फीडबैक है, इसी का परिणाम है कि हम दो, हमारे दो सांसद थे, आज हम बहुमत की सरकार चला रहे हैं। सवाल वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा आज देख रहे हैं, कैसे उसको भी मुद्दा बना रहे हैं लोग। मिश्रा जी उसके बाद एक पार्टी वाला बार बार लगातार बोला जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए, चंद्रमोहन जी कर सकते हैं,
चलाइए। दिनेश जी आप लगातार बोलते हैं तब आप अभी आप लगातार बोलते हैं देखिए आप चुप हो जाएंगे तो मैं आप बेहतर संवाद कर पाऊंगा। दिनेश जी एक मिनट, आपका जवाब पूरा हो गया। मेरा जो सवाल था चंद्रमोहन जी आपसे, मैं ये जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरह की बात, हालांकि वो केदारनाथ से बाहर आ चुके हैं, एक गुफा के अंदर वो ध्यान करने गए थे, इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष इसको कह रहा है कि ये अंतिम चरण के लिए एक स्टंट है, जबकि प्रधानमंत्री, जबकि बीजेपी और जो संघ समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरे तौर पर अपने आप में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देखिए अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया होती तो अच्छा होता 5 साल में नरेंद्र मोदी जी मंदिर का निर्माण करवा देते, अच्छा होता। जिस चीज को लेके करके चले थे उसके अंदर हिंदुत्व की भावना पैदा कर देते। बिल्कुल, अगर किसी कार्य के नीति और विचार और सोच अच्छी होगी तो हर पार्टी और हर देश का मानस इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन नीति और नियत में खोट होगा। देखिए हमारे मित्र अभी जब एक बार बोलना शुरू करते हैं लगातार बोलते रहते हैं। इस देश के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री कम बोलते थे लेकिन हमेशा प्रेस का कॉन्फ्रेंस का सामना करते थे और अगर उनके ऊपर कुछ चैलेंज भी आते थे उसका जवाब देते थे। यही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार बोलते हैं लेकिन प्रेस से बचते हैं क्योंकि उनके ऊपर उठे हुए उन जवानों से वो पीछे भग जाते हैं। उसके बाद नीति और सोच की बात करते हैं कि राष्ट्रीय इनका पैरल है कि राष्ट्रीय छक बोलता है। प्रधानमंत्री जी प्रज्ञा ठाकुर पे ये तो कहते हैं कि उससे मेरा मन दुखी हुआ, लेकिन उसी चीज को पार्टी अध्यक्ष ये नहीं कहते कि हम उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये नीति में खोट है। एक पैरल के ऊपर आप हिंदुत्व की भावना को भड़का के दूसरों को हाथ पढ़ाते हैं और देश के अंदर विघटन की राजनीति करते हैं। उसके अंदर प्रधानमंत्री जी आके बोल देंगे और पार्टी के अध्यक्ष आके उसका बचाव करेंगे। ये नीति और नीति रही है आपकी हमेशा से। आज आप बात करते, कभी आपने गोधरा के ऊपर क्षमा याचना की बात करी जिन कांडों को आप करके नहीं करी? क्योंकि देश के अंदर आपने हमेशा बांटने की बात करी है। जब पार्टी का अध्यक्ष गोधरा में खड़ा होकर सिख बौद्ध और हिंदू को कहता है कि यहाँ रहो और देश के अंदर मुसलमान बाहर जाएंगे, इतना ही नहीं, नीति और नियत पे सवाल उठेगा। इन सबके बीच में जो मुरली मनोहर जोशी का जो स्टेटमेंट है उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। मुरली मनोहर जोशी ने आज मतदान तो किया वाराणसी में, लेकिन जब उनसे ये पूछा पत्रकारों ने कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने आए हैं, तो उन्होंने उनका जवाब ये था कि वो कौन होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए उन्होंने इससे पहले भी एक बार बोला था जब उनसे पूछा गया था कि आपको इन 5 साल के टर्नओवर में आप उनको मार्क्स देते, तो उन्होंने मुरली मनोहर जोशी ने कहा था जब उसने कुछ किया हो तो मैं उनको मार्क्स दूं। आज उन्होंने फिर वही रिमार्क्स करा कि मैं कौन होता हूं, क्योंकि बीजेपी के परिवार के अंदर की अंतर्क्रिया आज 2019 के बाद दिखेगी, जो गठबंधन के रूप में उनकी सहयोगी पार्टियों के द्वारा भी बाहर आएगी, इसी की बुखलाहट आज बीजेपी के चेहरे पर दिख रही है। क्वेश्चन इतना इंटेलेक्चुअल था ना, जो पॉलिटिकल बॉडी लैंग्वेज की बात चल रही थी और अभी जो आपने बोला उसी से रिलेटेड है। देखिए मैं आपको बोलूं, ये लोग पॉलिटिकल, जितने भी नेता लोग हैं ना, पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं, थोड़ा स्ट्रेटजिक वे में देखिए। रही बात पॉलिटिकल काइनेसिस की, मैं आपको अभी बता देता हूं दोनों चीजें, ऐसा नहीं है। ठीक है वो माननीय है, प्रधानमंत्री है, सम्मान है, लेकिन इस तरीके से बोलना कि मोदी जी क्या करेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। अरे कांग्रेस को नहीं समझ में आ रहा है, सपा को नहीं आ रहा है समझ में, वो ठीक है, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअल आपको आ रहा होगा सर, मैं बता रहा हूं, आंसर सुनने के पहले ही मैं बता रहा हूं आपको, ना मैंने आपको गुजरात में बता दिया था, बता दिया था जब आप बोल रहे थे 120 और दिनेश जी, आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगा, आप तो वैसे भी पॉलिटिकल गजब अभी बता रहा हूं, बलबीर को बताइए ना, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की नहीं सुन पाए, मैं सुनता हूं, नहीं सुन पाए, सुनता हूं, पहले हमने सुन लिया, आपने बोल दिया, कैसा लगा दिनेश जी मुझे इजाजत दीजिए, हर बार आप बोलते हैं सर, आप नहीं, हर बार आप बोलते हैं, अरे नहीं हर बार आप बोलते हैं, दिनेश जी और मिश्रा जी आप दोनों को जवाब देता हूं, नहीं आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा यहां पर। सातवें फेज के लिए हमारे पास एक अपडेट इस वक्त जो आ रहा है वो हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि दोपहर 1 बजे तक 39.85% मतदान हो चुका है, लगभग 40% मतदान सातवें फेज के लिए हो रहा है, ये गति अच्छी मानी जा सकती है। बिहार में 36.2% मतदान हो चुका है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 34.47%, मध्य प्रदेश में 43.89% मतदान हुआ है, वहीं पंजाब में 36.36% मतदान की खबर हम तक मिल रही है, और उत्तर प्रदेश में 36.37 और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो 47.5
5.5% मतदान इस वक्त वहां पर हुआ है। इस बार भी हाईएस्ट है, हिंसा भी वहां पर हो रही है। झारखंड में 52.89% मतदान हुआ है, जबकि चंडीगढ़ में 35.60% मतदान हुआ है। दिनेश जी, ये जब इसी यही चीज़ मैं उस वापस उस सवाल पर लौटता हूँ, जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जैसे नेतागण मंदिरों में जाते हैं तो आप उन पर तमाम सवाल दागते हैं, जब राहुल गांधी जनेऊदारू ब्राह्मण स्वयं को कहते हैं तो उस पर भी बीजेपी हमलावर होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण से पहले केदारनाथ अगर जाते हैं तो उस पर उसके लिए आपका ये कहना है कि ये पूरी तरह से उनका एक निजी और आध्यात्मिक विजिट है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए दो चीजें हैं, पहला चुनाव होगा मुझे लगता है 19 तारीख में, अनिल जी बेहतर बताएंगे, जिसमें कम से कम लोग जालीदार टोपी लगा के नहीं दिख रहे हैं। पहले में सब मंदिर जा रहे हैं, ये कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना तो किया, सब जो कभी मंदिर नहीं जाते थे उनको मंदिर का रास्ता दिखा दिया और लोग पूजा पाठ करने लगे। ये अच्छी बात है, लोगों को जाना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी यात्रा पे जाते हैं उसमें कहते हैं कि हमारा हार्ट बीट इतना है, हम इस स्पीड से जा रहे हैं, ये है, और राजनीतिक लगता है। और प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी राजनीतिक यात्रा पर तो लोगों को दूसरे तरीके से देखते हैं। हम तो कहते हैं उनको भी जाना चाहिए, सारे दल को लोगों को जाना चाहिए। बल्कि कांग्रेस के साथी तो ये कह रहे थे कि आप राम मंदिर बनवा दिए होते, आप धारा 370 पर क्या कर रहे थे। अरे भैया, हम तो बनवाना चाहते हैं, एक बार आप तो समर्थन करिए, एक बार तो आप तो सामने आइए। चंद्रमोहन जी का जवाब उन्होंने बोला, टोपी वाली बात बोली दिनेश जी, बिल्कुल ठीक कहते हो आप, क्योंकि जो प्रधानमंत्री देश के अंदर टोपी उतार दे और बाहर के देश के अंदर जाके टोपी पहन ले और मस्जिद में सजदा कर ले, वो प्रेषण चिन्ह लगता है उस प्रधानमंत्री के ऊपर। जिस देश के अंदर सारे धर्म रहते हो, श्रम देश का विकास चाहिए हो, उस देश के अंदर वो दो नीति की धारा करे, उस पर प्रेषण चिन्ह होता है। आज इसी प्रेषण चिन्ह के ऊपर देश के अंदर बिखराव हो गया, आज इसी प्रेषण चिन्ह के अंदर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह के लोग आपस में कहने लग गए, जबकि इस देश की बनावट के अंदर राम रहीम अमर और अमरजीत था। आपके आने के बाद इन पांच सालों के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख पैदा हुआ, आपने फिर वापस उस देश को शामनार पर मुखर्जी वाली स्ट्रेटजी पर लाके दे दिया, जब सरदार पटेल ने उनसे कहा था कि आपके इन भड़काऊ भाषणों के कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई, और फिर आपने नथुराम गोडसे को जीवित करा और महात्मा गांधी की हत्या करी। इसी नीति के अगेंस्ट में 2019 के अंदर देश की जनता आपके अगेंस्ट वोट देगी, और इसी का पश्चाताप मैं आपसे फिर दोबारा बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी शायद बाबा के दरबार में कर रहे हैं अपने मुख से करते और प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर करते तो देश की जनता मानती कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो काम करने के साथ साथ उस पर एक्शन करता है, लेकिन 5 साल में एक्शन नहीं करा, इसी का पश्चाताप उसको है। बहुत संक्षेप में आशुतोष जी, अच्छा लगा कि कांग्रेस के साथी के मुंह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम निकला, और वही बंगाल से है जहां आज बंगाल की सरकार फिर से बननी जा रही, सबसे ज्यादा सीट आने वाली, और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ना होते तो जम्मू कश्मीर जिंदा रहेगी, नहीं ली जाएगी, नहीं मानी जाएगी, अशोक पूरा विरोध रहेगा। दिनेश जी, अशोक जी, चंद्रमोहन जी, चुनाव अंतिम चरण में है और इसके बाद ये राजनीतिक तलखी थम जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस तलखी को स्टूडियो में थाम दें। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, शाम 6 बजे के बाद एक बार फिर हम आपके लिए एग्जिट पोल्स के नतीजे लेकर उपस्थित होंगे और समय पर ये नतीजे सबसे तेज और सबसे सटीक दिखाए जाएंगे। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ हमारे तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं।